बोकारो इस्पात संयंत्र के दुगल गेट के समक्ष सड़क की हालत बहुत ही खराब हो गई है। वहीं बारिश के बाद ड्रेनेज जाम होने से सड़क तालाब में तब्दील हो गया है, जिसकी सफाई आज से शुरू हो गई। बता दें कि दुगल गेट से लेकर नया मोड़ जाने वाली सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हैं, जहां इन दिनों बरसात में घुटनों से ऊपर पानी भर जा रहा है। वहीं ड्रेनेज के कारण सड़क तालाब में तब्दील हो जाती है। रोजाना सैकड़ों बड़े वाहनों का इस रास्ते से आना जाना होता है, जो कई बड़ी दुर्घटना के गवाह बन चुके हैं। वहीं बुधवार को भारी बारिश के कारण पूरी सड़क पानी से भर गई, जिससे बड़ी बड़ी गाड़ियां घंटों जाम में फंसी रही। वहीं स्थानीय लोगों ने आज अपने सहयोग से जेसीबी लगवाकर नाली व ड्रेनेज को खुलवाया और बाधित हो रही आवागमन को किसी तरह से चालू करवाया। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि वर्षों से यह सड़क की स्थिति ज्यों के त्यों बनी हुई है, मगर सेल प्रबंधन सड़क की मरम्मती की ओर ध्यान नहीं दे रही है। बता दें कि बोकारो धनबाद सांसद प्रतिनिधि सह मीडिया प्रभारी विद्या सागर सिंह ने फोन पर बताया कि सड़क के निर्माण के लिए सांसद पशुपतिनाथ सिंह ने जनवरी माह में बीएसएल के निर्देशक प्रभारी के साथ वार्ता में इस बात को उठाया था, लेकिन यह प्रक्रिया अत्यंत ही धीमी है, जिस कारण से अभी लोगों को तत्काल कोई राहत मिलती नहीं दिख रही। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।